आज हम BMI और BMR के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो पिछले यूनिट का ही है जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है, जिस यूनिट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हुई है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो उसमें हमने इसको इसलिए डिस्कस नहीं किया, इसलिए उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उसमें कवर करते तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट टॉपिक, सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक को डाला है, BMI और BMR। तो BMI और BMR दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों ही अपने आप में काफ़ी अलग हैं, लेकिन काफ़ी बार लोग इसको एक ही समझते हैं, इसको एक ही टॉपिक समझते हैं। काफ़ी और कंफ्यूजन हो जाता है कि BMR क्या है, BMI क्या है, दोनों की यूज़ क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, पहले BMI के बारे में बात करेंगे, फिर BMR के बारे में बात करेंगे। तो BMI के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाती है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या है, BMI, बी मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ये आ जाता है BMI के फुल फॉर्म। BMI के फुल फॉर्म में जब आप बात करते हैं तो उसके बाद बात होती है कि डेफिनेशन, ये होता क्या है BMI। तो BMI क्या होता है, बेसिकली BMI का मतलब होता है कि आप अपने वेट और हाइट का रेशियो देख रहे हैं, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं। हाइट टू द वेट टू द हाइट का रेशियो आता है इसके अंदर, जिसमें कि हाइट को आप मीटर में कैलकुलेट करते हैं और वेट को इन केजीज कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब कि हाइट जो है वो मीटर में और उसका स्क्वायर। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के बाद बात आती है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो मैंने स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखाया हुआ है, चार्ट प्रेजेंट किया हुआ है। तो इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि कितने कैटेगरी तक आप नॉर्मल रहते हैं, कब आप अंडरवेट हो जाते हैं, कब आप ओबीज ग्रेड 1 में चले जाते हैं, कब ओबीज ग्रेड 2 में चले जाते हैं, कब ओबीज ग्रेड 3 में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल BMI कितना होता है उससे जानिए, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि नॉर्मल कितना है, फिर हम ओबीज में कैसे जाते हैं, अंडरवेट में कैसे जाते हैं। तो नॉर्मल आ जाता है 18.5 से 25 तक का BMI जो है वो नॉर्मल है, और 18.5 से जब आप नीचे चले जाते हैं तो वो BMI आपका एबनॉर्मल या फिर आप कह लीजिए अंडरवेट आ जाता है। उसके बाद जो डिस्कशन आता है कि 25 के बाद क्या, तो 25 से जो 30 आता है वो आपका ओबीज, सॉरी 28 जो ओबीज आ जाता है, फिर 28 से जो आपका 30-32 ये ओबेसिटी ग्रेड 1 आता है, फिर उसके बाद 35 तक ओबेसिटी ग्रेड 2 आता है, 35-40 चला जाता है तो ओबेसिटी ग्रेड 3 आ जाता है। ये आपको हर बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये डेटा थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं जब आप कहीं और देखेंगे, तो ये वेरी करता है कि किस साइट पर किस बुक में आप इसको देख रहे हैं। तो ये बात आ जाती है कि कितना आपका नॉर्मल रहता है, कितना अंडरवेट और कितना ओबीज। ओके, उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है BMI के अंदर वो आ जाता है आपका कि अब मैंने ये देख लिया कि कैसे क्लासिफिकेशन हो गया उसका, क्या BMI होता है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग BMI को, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका BMI इफेक्ट होता है, ये डिस्कशन होता है यहाँ पर। तो इसमें आपका आ जाता है कि BMI को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि पहला फैक्टर आ जाता है आपका एज, उसके बाद सेक्स आ जाता है, क्लाइमेट कंडीशन आ जाता है आपका, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर के बाद मसल मास आ जाता है, हैबिट्स आ जाते हैं, डाइट आ जाते हैं, ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एज, तो एज का क्या होता है कि जैसे कि कोई छोटी उम्र का है या फिर कोई बुजुर्ग उम्र का है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटी उम्र का होता है तो उसके BMI अलग होते हैं, और जब वो एडल्ट में आता है तो BMI अलग होते हैं, और उसके बाद अगर कोई ओल्ड एज में चला जाता है तो उसके BMI अलग होते हैं, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपके ऊपर मसल मास कम होता है और फैट ज़्यादा होता है, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर मसल मास ज़्यादा आता है और आपका फैट कम हो जाता है, एडल्ट में जाते हैं तो फैट आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से एज में वेरिएशन आपको देखने को मिलता है इन BMI। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेक्स, मेल और फीमेल दोनों के BMI अलग अलग होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर चार्ट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग BMI होता है, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में बॉडी अलग अलग तरीके से ग्रोथ करती है, इस वजह से अलग अलग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर में आपका आ जाता है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है तो उस वजह से आपके BMI में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आपका बॉडी टेम्परेचर लो है तो वहाँ भी आपको देखने अलग BMI देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके हैबिट्स आ जाते हैं, किसी किसी के हैबिट्स अलग होते हैं, खाना खाने के हैबिट्स आपके, उसके बाद आपके आ जाते हैं रेस्ट पीरियड के हैबिट्स, तो ये सारे हैबिट्स अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से BMI में भी डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद हैबिट्स के बाद आपके आ जाते हैं मसल मास, मसल मास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी। अब आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका BMI इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उनका वेट 100 kg होता है, किसी का 110 होता है, किसी का 90 होता है, और हाइट 5.6, 5.7, 5.5 तक होती है, 5.4 तक होती है। तो इस हिसाब से तो आप देखेंगे BMI उनका बहुत ज़्यादा जाएगा, जो कि ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक जाएगा, लेकिन उनके ऊपर फैट नहीं होता है। तो यहाँ पर मसल मास भी वेरी करता है, जिसके ऊपर मसल मास ज़्यादा होता है उनका BMI हाई जा सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया और ये BMI को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग BMI। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक्सप्लेनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ आ जाती है इसमें यूजेज, क्यों हम BMI पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है पर्सनल यूज़। क्या होता है इसके अंदर, पर्सनल यूज़ में आ जाता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए BMI ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी हाइट को इनपुट करते हैं, अपने वेट को इनपुट करते हैं, और आपको पता चल जाता है कि आप अंडर वेट हैं, कि आप नॉर्मल हैं, क्या आप ओबीज हैं, क्या आप ओबीज ग्रेड 1 हैं, ग्रेड 2 हैं, ग्रेड 3 हैं, आप क्या हैं, ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, उसके बाद आता है क्लिनिकल में, क्लिनिकल सेक्टर में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो BMI जो है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो डायबिटीज़ 2 का मेजर कॉज बन जाता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि क्लिनिकल सेक्टर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स ये जानने के लिए कि उनका पेशेंट जो है वो ओबीज है, ओबीज ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, कितना ओबीज है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ आता है वो आ जाता है लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में कि लॉ के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। लॉ के अंदर इसलिए यूज किया जाता है, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर लॉ बन गया था कि जिनका BMI 18 से नीचे है उनको मॉडलिंग एक्टिंग के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, बैन है उनकी एंट्री टोटली। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी सारे एक्टर्स जो हैं वो डाइट करते हैं, बहुत ज्यादा डाइट करते हैं, लग जाते हैं, फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया ऐसे कंडीशंस के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया नहीं पता तो एक बार आपको बता दूं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंशियस हो जाता है, वो कम खाने लग जाते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। और एनोरेक्सिया बुलिमिया जस्ट अपोजिट टू दिस है, इसमें इंसान बल्क में डाइट लेने लग जाता है, इकट्ठा एक ही मील में बहुत सारा खाने लग जाता है और कई बार बड़े बड़े मील्स लेता है, जितना कि वो ना तो डाइजेस्ट कर सकता है, ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ना उसकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करती है। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी यूजेस के अंदर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक BMI के बाद आता है, जो इसका अदर टॉपिक है इसी के साथ, BMR। BMR क्या होता है, BMR के बारे में इनिशियली अगर जाने तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको पहले जानते हैं। BMR की जो फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको बोलते हैं, और BMI को क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों के बीच में एक पहला डिफरेंस यही आ जाता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूं, वैसे तो ये ह्यूमन स्टडी का नहीं है, एनिमल स्टडी में आ जाता है, कि जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, फिशेज होती हैं, तो उनके अंदर ये SMI करके पढ़ते हैं, जैसे BMR यहाँ पढ़ते हैं, उसके अंदर SMR पढ़ते हैं। SMR क्या है, स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट, स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट के रेट को पढ़ते हैं हम उनमें, जो कि रेप्टाइल्स होते हैं और फिशेज होते हैं। अब इसके अंदर BMR का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब डेफिनेशन के बाद हम क्या देखेंगे, जो इसमें फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें स्पेशलिटी ये होती है, BMI में आपने देखा एक ही फॉर्मूला रहता है, लेकिन BMR जो होता है इसमें मेल के लिए अलग फॉर्मूला है और फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूलाज आपको स्क्रीन पर मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद अब फॉर्मूला की भी बात कर ली हमने, फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं बीएमआई के, वही सेम फैक्टर जो बीएमआई में यूज किए थे वही बीएमआर में भी होते हैं। बीएमआर को भी वही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि बीएमआई को करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ उनको, एज था, सेक्स था, क्लाइमेट कंडीशन, बॉडी टेम्परेचर, हैबिट्स आ जाते हैं, मसल मास आ जाता है, डाइट आ जाता है, ये सारे फैक्टर्स जो थे यही आपके जो बीएमआर है उसको भी अफेक्ट करते हैं और बीएमआई को भी अफेक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आ जाता है इसके अंदर, हमने क्या क्या देख लिया उसका, हमने फॉर्मूला देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने, फैक्टर्स भी देख लिया हमने। अब जो लास्ट चीज़ आ जाती है यूसेज। यूसेज क्या है, बीएमआर का यूज़ क्या है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें यूज़ के में आप अगर यूज़ पढ़ेंगे इसके, तो यूज़ में सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपको बेसिक एक्टिविटीज़ पता चल जाती है आपकी बॉडी की ठीक चल रही है या फिर नहीं चल रही है। जैसे कि मेटाबोलाइजेशन, आपका मेटाबोलाइजेशन ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी बॉडी क्या कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, क्या वो लूज़ कर रही है वेट को, क्या वो मेंटेन कर रही है वेट को, क्या वो गेन कर रही है वेट को, ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ें हमें बीएमआई से भी पता चल सकती हैं, लेकिन बीएमआर भी हमें ये चीज़ें बताता है। तो ये सारी यूजेस जो है बीएमआर के हमें आ जाते हैं। तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो एक्सप्लेनेशन था आपको बीएमआई का और बीएमआर का, ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया जा रहा है, आप वहां पर भी डीएम कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।